हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज से मैं सिंपल मील रेसिपी सीरीज चालू कर रही हूँ, जो कि मैं खास करके उन लोगों के लिए चालू कर रही हूँ जो घर से बाहर रहते हैं या जो स्टूडेंट है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पर उनको घर का हेल्दी खाना खाना है या नई नई दुल्हन है, तो उन सब के लिए ये एवरीडे सिंपल मील मैं चालू कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको ये मेरी सीरीज बहुत पसंद आएगी। आइए फ्रेंड्स, सिंपल मील रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और टेस्टी डिश येलो खिचड़ी। येलो खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है ये एक कप चावल लिया है। आप कौन सा भी चावल यूज़ कर सकते हो, बासमती से भी आप इसे बना सकते हो। ये हाफ कप हमने तुअर दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोला जाता है। ये दो हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके ली है, 8-10 लहसुन की कलियाँ है जिसे भी हमने बारीक कट करके लिया है। स्वाद अनुसार हमें नमक लगेगा। हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 पिंच हमें हींग लगेगा। ये 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है और 1 टीस्पून हमने राई ली है मस्टर्ड सीड। पानी हमें ज़रूरत के अनुसार लगेगा। तो आइए येलो खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम चावल और दाल को अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेते हैं। मैं इसे वॉश करके लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश करके लिया है। अभी हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून घी डालूंगी। घी के मेल्ट होने पे हम इसमें ये राई डालेंगे। राई हमारी अच्छे से क्रैकल हो रही है, इसमें मैं अभी हींग डालूंगी। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची डालेंगे। साथ में ये लहसुन डालेंगे। लहसुन और मिर्ची को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम ये हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम ये वॉश किया हुआ दाल और चावल ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डालते हैं। दाल चावल मिलके 1.5 कप लिया है, तो हम पहले 3 कप इसमें पानी डालेंगे। और अगर थोड़ी पतली खिचड़ी हमें चाहिए तो पानी आप आपके अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। अब हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे। नमक हमने स्वाद अनुसार लिया है, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये खिचड़ी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम इसे उबाल आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खिचड़ी को उबाल आ चुका है। अब हम इस गैस का फ्लेम कम कर लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। आइए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी कितनी पकी है, तो और इसे 2-3 मिनट लगेंगे। मैं वापस से इसे ढक के रखती हूँ। आइए फ्रेंड्स, खिचड़ी बनी है क्या चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि खिचड़ी पकी है क्या। ये देखिए, राइस अच्छे से पक चुका है और दाल भी मैं चेक कर लेती हूँ। 1-2 मिनट हम वापस से रखते हैं क्योंकि दाल अभी होनी बाकी है। आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी पकी है क्या।
हमारी खिचड़ी पक चुकी है, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। इसे मैंने बीच में एक दो बार हिलाया है और मुझे लगा थोड़ा पानी कम है, इसलिए मैंने इसमें एक कप पानी और डाला है। तो आप आपके चॉइस के अनुसार जैसा आपको लगता है, मतलब खुली खिचड़ी आपको पसंद करते हो या आपको पतली खिचड़ी अच्छी लगती है, उस हिसाब से आप पानी डालिए। और राइस के पुराने या नया होने से भी पानी जितना लगता है उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, तो आप आपके राइस के अनुसार पानी की क्वांटिटी एडजस्ट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हमने धनिया पत्ती से गार्निश किया है और इसमें हम घी डालेंगे। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर इसे घी के साथ ही खाइए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।